चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। दोस्तों का एक और समूह हमारे साथ है, इनको बेचारों को शादी में जाना है, हमने कहा कि 5 मिनट हमको दे दीजिए। फिर कौन से दोस्त की शादी है मैम आपकी? सर प्लीज, हमारे एक्चुअली हमारा बचपन का फ्रेंड है, साथ में थे हम, उनकी शादी है तो यहीं पे नागपुर में, तो इसीलिए हम हिंगन घाट से अभी मॉर्निंग में आए हैं। यहाँ पे ये फेमस है रामजी श्यामजी पोहे वाला, इसीलिए पहले यहाँ पे नाश्ता करेंगे फिर आगे जाएंगे ऐसे। वहाँ भी तो होगी खाने की? नहीं वहाँ पे होगी, बट यहाँ पे आना टेस्ट का है हमारा, यस यहाँ पे आना कम होता है। अच्छा आप लोग हिंगन घाट, सॉरी मैम, हिंगन घाट क्या जिला लगता है या चंद्रपुर में आता है? नहीं एक्चुअली वर्धा जिला है, हिंगन घाट तहसील है। यस तो मुझे ये बताइए कि आप लोग हैं तो विदर्भ से ही, और विदर्भ का एक तरह से महाराष्ट्र की उपराजधानी और विदर्भ की राजधानी आप नागपुर को कह सकते हैं, तो आपने ऐसे ओवर ईयर्स क्या चेंजेस यहाँ पे देखे हैं? जैसे विदर्भ की एक शिकायत थी कि वेस्टर्न महाराष्ट्र पे ज़्यादा फोकस रहता है। अभी भी वेस्टर्न महाराष्ट्र पे ही फोकस है, बट यहाँ का जो अभी डेवलपमेंट है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल वो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी जो चीज़ चाहिए वो है कंपनीज, जैसे आईटी कंपनीज है, आईटी हब पूरा अभी भी पुणे साइड है, पुणे या मुंबई बोल लो आप। अभी जैसे तेलंगाना ने हैदराबाद को डेवलप किया है, ठीक है, सेकेंडरी सिटी वहाँ पे भी डेवलप हो रही है। अभी जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, जो आईटी हब बन चुके हैं अभी यहाँ के, मैक्सिमम मतलब 90% लोग यहाँ के वहाँ जाके काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ही हब बन जाएगा तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं रहेगी, सब यहीं पे काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ के मैक्सिमम लोग घर छोड़ के पुणे में रह रहे हैं या मुंबई में रह रहे हैं, जबकि अच्छे कॉलेजेस हैं नागपुर में, NIT है। इसकी बात नहीं, कॉलेजेस भी जब प्लेसमेंट देते तो यहाँ प्लेसमेंट नहीं दे रहे ना, ये भी पुणे ही ले जा रहे हैं या फिर बाहर कहीं ले जा रहे हैं, तो ऐसी चीज। वर्धा से भी काफ़ी क्राउड आता है? हाँ हर जगह से क्राउड आता है नागपुर। तो आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन काफ़ी काम अभी भी, कुछ मतलब बहुत सारा काम हुआ है बट और कुछ काम करना बाकी है। Yes. अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट आपने बताया कि होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस एम्प्लॉयमेंट है, महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट नहीं है ऐसी बात नहीं है, बट इस रीजन में नहीं है बेसिकली, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसे क्लोजर टू होम आपको थोड़े से मौके? अगर मुझे बताइए यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं अभी मेरा बेस लोकेशन गुड़गांव है, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ, अगर यहाँ ऑफिस ओपन हो जाएगा तो मैं गुड़गांव की जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा कम भी पैसा मिलेगा तो यहाँ पे हम एडजस्ट करने के लिए काम करने के लिए रेडी है। रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और सर बड़े आप बड़े उत्साहित थे, आप भी सर हिंगन घाट से ही? हाँ जी मैं भी हिंगन घाट से हूँ। क्या नाम है सर? मराठी बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मुंगले। अरे वाह डॉक्टर साहब। यस, और मेरा एक क्लिनिक है हिंगन घाट में, आयुर्वेद स्पेशलिटी क्लिनिक है, और दूसरा एक नेटिव में क्लिनिक है जहाँ मैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, मैं एक समाज सेवा के तौर पर लोगों को एक सेवा देता हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ। सर ये बताइए कि जैसे यहाँ पे हमने देखा जितने लोगों से अभी तक के बात की है, उन्होंने एक ये बात वो कहते हैं कि हाँ डेवलपमेंट विदर्भ में आया है ओवर ईयर्स, अभी कुछ कुछ चीज़ें हो रही है, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत इम्प्रूवमेंट अभी और चाहिए, 2-3 चीज़ें उन्होंने गिनवाई भी। आप एक डॉक्टर हैं, मुझे बताइए कि हेल्थ सेक्टर का क्या हालत है नागपुर में ही नहीं, हिंगन घाट में ही नहीं, जो आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करते होंगे, विदर्भ की स्थिति क्या है और किस तरह के सुधार की आवश्यकता लगती है? ऍक्च्युली जर बघितलं गेलं तर महाराष्ट्रच नाही तर देशाच्या एका अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर देशाची अर्थव्यवस्था 5व्या नंबरपासून 3र्या नंबरवर आली, तर याचाच मुख्य अर्थ असा की सगळ्या क्षेत्रात आपल्या या गव्हर्नमेंटनी विविधतेने आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने सगळ्या सेक्टरमध्ये काम केलं, परंतु जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारला आरोग्याचा आणि एक आरोग्यविषयक तज्ज्ञ किंवा एक डॉक्टर म्हणून जेव्हा माझ्यासमोर हा प्रश्न उभा राहतो तेव्हा मी एकच सांगू इच्छील की आपल्याकडे सगळ्या फॅसिलिटीज आहे, आपल्याकडे सगळे मॅनपॉवर आहे, परंतु ज्याचं काम ज्याला जी जबाबदारी दिली तो व्यक्ती ते जबाबदारी पार पाडत नसल्यामुळे आज आपली जी आरोग्यविषयक परिस्थिती आहे ती दयनीय अवस्था झालेली आहे। एक थोडासा ट्रान्सलेट कर देता हूँ, ये कह रहे हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था 5वें से 3रे नंबर पे आई है तो जो सरकार है उसने हर सेक्टर में अच्छा काम किया, हेल्थ में भी किया होगा, लेकिन वो अपने इलाके को लेके कह रहे हैं कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कह रहे हैं कोई कमी नहीं है विदर्भ में, मैन पावर की भी कोई कमी नहीं है, स्किल्ड लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो उसको अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, क्या मतलब उनको क्या ठीक लीडरशिप नहीं मिल रहा है या करप्शन है या पॉलिटिकल नेक्सस है, कि आप प्रॉब्लम को कहाँ लोकेट करते हैं सर?
बेसिक गोष्टी अशा आहे की जेव्हा आपण एखाद्यावर ती जबाबदारी दिली तर त्याच्यावरचा जो ऑफिसर असतो किंवा त्याच्यावरचा जो ऑफिसर असतो दिस इज द लिंक. जेव्हा तो त्याच्यावर दुसरी जबाबदारी पेलवण्यास असमर्थ असतो किंवा तो समर्थ असूनही वरचा ऑफिसर म्हणतो की नाही हे काम मेरे को ये हिसाब से करना है तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, तुम अपना दिमाग लगा के नहीं कर सकते. उसके नीचे जो एक ऑफिसर के नीचे ऑफिसर जो रहेगा उसके नीचे जो स्टाफ रहेगा वो ये बोलेगा कि नहीं भाई, मतलब अगर अपने साहब ने ऐसा बोला है तो हो सकता मे बी कि इट इज़ कि थोड़ा सा करप्टेड होगा या जो कुछ भी. तो बहुत सारे इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन ब्यूरोक्रेटिक इशूज़ है जिसको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते. लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो याच्यात जो पिळवडला जातो आहे तो सामान्य माणूस, म्हणजे एखाद्या दवाखान्यात तुम्ही गेले तर तिथं तुम्हाला चिठ्ठी काढण्यापासून तर शेवटी मेडिसिनच्या काउंटरपर्यंत जाईपर्यंत सगळ्या गैरसोयी तुम्हाला झेलाव्या लागतात. का तर अधिकारी लोकांमुळे. तर याच्यावर कुठेतरी आळा बसायला पाहिजे. ते कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने कहा कि ये सारे जो प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, इस वजह से आम आदमी तकलीफ में है. उसको चिट्ठी कटाने से लेकर के इलाज तक करके काफ़ी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है. तो एक अंतिम प्रश्न फिर आप लोगों को, आपके दोस्त धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ के जा रहे हैं, कुर्ता भी आपने मस्त पहन लिया है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वर्धा से हैं, ठीक है? अभी हम लोग वर्धा पहुँचे तो नहीं है, तो आप क्योंकि नागपुर आ गए तो आपको वर्धा का प्रश्न यहीं पूछ लेता हूँ. वर्धा का इलेक्शन का आपको माहौल क्या लग रहा है? बेसिकली वर्ध्यामध्ये जे स्टँडिंग खासदार आहे रामदास तडस आणि जे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे जे अमर काळे आहे, तर वर्धेचा एकंदरीत विकास बघता आणि वर्धेचा एकंदरीत विचार करता, शारीरिक शैक्षणिक असो किंवा मग याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रामध्ये असो किंवा आरोग्य क्षेत्रामध्ये असो, बऱ्याच काही सुधारणा झालेल्या आहे. हिंगणघाटसारख्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजसुद्धा एक त्याचं तयार झालेलं आहे. तर या सगळ्यांचा विचार करता मला असं वाटतं की जरी तुमचा लोकल कॅन्डिडेट आता आदरणीय रामदासजी तडस तिथून उभे आहे, परंतु तो लोकल कॅन्डिडेट जरीसुद्धा, परंतु आपल्याला देशाच्या सर्वोच्च पदाला जर समजा नरेंद्र मोदी साहेबांना जर ठेवायचं असेल तर आपल्याला ग्राउंड लेवलच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा थोडासा कमी विचारात घेऊन, कारण जर केंद्रातून पैसा निघतो तर तो आपल्या ग्राउंड लेवलपर्यंत येणारच आहे, तर तो विचार करून आपण जर समजा अशा पद्धतीने विचार केला तर कदाचित मला असं वाटतं की आतापर्यंत रामदास साहेबांनी चांगले कामं करत आले आणि ते पुढे करतील, तर लोकांचा कल बघता मला असं वाटतं की लोक बीजेपीला एक प्रकारचं समर्थन देऊन कदाचित त्यांना निवडून आणतील, अशी आमच्या मतदारसंघामध्ये चर्चा आहे. वो कह रहे हैं कि इनके जो लोकल एमपी हैं उन्होंने काम तो बहुत बढ़िया किया है. वो खुद बोल डॉक्टर हैं, खुद बता रहे हैं कि इनके तहसील के अंदर भी एक मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा काम बहुत अच्छा किया, आगे भी करते रहेंगे. लेकिन आप देखो दिल्ली की तरफ और उस हिसाब से वोट करो.